हेलो फ्रेंड्स, स्मृति किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाना बताएंगे आपको दूध से आइसक्रीम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बहुत ही इजी तरीके से आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। हमने आइसक्रीम बनाने के लिए आधा लीटर दूध ले लिया है। इसको अब हम पैन में गरम कर लेंगे। ये हमने फुल क्रीम दूध लिया है, ये मलाई वाला ही दूध है। दूध में उबाल आने लगा है, इसको लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। ये देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। इसको गाढ़ा होने में करीब 20 मिनट लगा है। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल गया है। अब हम डाल लेंगे इसमें इलायची पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे। 5 मिनट हो गया है तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम डायरेक्ट डब्बे में निकाल लेंगे। इसको पीसने की हमें जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसको डब्बे में निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। अब इसको हम ऊपर से फॉइल पेपर से रैप कर देते हैं और फ्रीजर में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 9 घंटे के बाद हमने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। वाव, ये देखिए हमारा आइसक्रीम कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा आइसक्रीम बन के तैयार हुआ है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल लेंगे। ये देखिए, तो हमारा आइसक्रीम सर्व करने के लिए रेडी हो गया है। ये देखिए, ये कितना अच्छा हमारा आइसक्रीम बन के तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे एक बार घर में जरूर बना के देखिए और मेरे चैनल स्मृति किचन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।